अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ ज़हरा खानम मासूम ख़ान, हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला कलबुर्गी। बच्चों, आप अपने नोटबुक्स पेन लेकर तैयार हो जाइए और इस लेसन को गौर से सुनिए। बच्चों देखो, बच्चों यहाँ पे दुनिया की सबसे शानदार इमारत आपको दिखाई दे रही है। ये कौन सी तस्वीर है बच्चों, कौन सी इमारत है? आप तो इससे बहुत ही वाकिफ हैं, है ना? बहुत मरतबा आप यहाँ पर जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, ये क्या है बच्चों? बीजापुर का गोल गुम्बद, है ना? बिल्कुल सही बच्चों, बीजापुर का गोल गुम्बद किसने बनाया जानते हैं? जी हाँ, आदिलशाही हुक्मरानों ने बनाया है। कब बनाया है? आदिलशाही हुक्मरानों की हुकूमत कब से कब तक रही है? ये तमाम जानने के लिए आज हम विजयनगर और बहमनी सल्तनत इस बाब का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे बच्चों। तो इस तीसरे हिस्से में हम बहमनी सल्तनत और सलातीन दक्कन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहमनी सल्तनत का क़याम बहमनी हुकूमत के शाही खानदान मोहम्मद गावा के कारनामे और खिदमात और सलातीन दहली के सकाफती खिदमात बहमनी हुकूमत की फन तामीरात का मुतालिया करेंगे। चलिए बच्चों, बहमनी सल्तनत का क़याम किस तरह से हुआ ये देखेंगे। किसने? बहमनी सल्तनत या बहमनी किंगडम, है ना बच्चों? तो अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह बहमनी सल्तनत का बानी था। इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। दहली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तगलक के वक्त में जफर खान के खिताब से मारूफ था। मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जो अजीब है, इसका ख्याल है कि हसन पैदाइश से शायद एक अफगान था, जो दहली के एक मशहूर नजूमी ब्राह्मण नजूमी था, गंगाधर शास्त्री अलमारूफ, तो उस गंगू का वह खादिम था। इस लिहाज से अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह के नाम से मशहूर है। ये जो आप किताब यहाँ पे दिख रहे, तारीख फरिश्ता, ये मोहम्मद कासिम फरिश्ता की लिखी हुई, इसी किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि अलाउद्दीन हसन गंगाधर शास्त्री अलमारूफ गंगू का खादिम था। बच्चों, हसन गंगू ने सुल्तान मोहम्मद बिन तगलक के मातहत एक अमीर के तौर पर खिदमत का आगाज किया। इसने सूबेदार बनने के बाद जफर खान का खिताब हासिल किया था। कौन बच्चों? यही हसन गंगू बहमन शाह ने। 1347 ईस्वी में इसने दौलताबाद में फौज का अमीर बना और अगस्त 1347 ईस्वी में नासिरुद्दीन इस्माइल शाह, जिसने 1345 में दौलताबाद के तख्त पर दक्कन के बागी उमरा ने बिठाया था, तो इसने हसन गंगू के हक में बादशाह से दस्तबरदार हुआ। कौन? नासिरुद्दीन इस्माइल शाह ने। अब किसने आ गए यहाँ पे? हसन गंगू बहमन शाह ने। तो अहसन आबाद, जो अब हमारा मौजूदा गुलबर्गा है बच्चों, जिसको हम कलबुर्गी कहते, पहले उसको अहसन आबाद कहा जाता था, तो उसको अपनी सल्तनत का यानी अपनी नई बहमनी सल्तनत का सदर मुकाम यानी दारुल खिलाफा उसने बनवाया। बच्चों, यह है बहमन शाह या बहमनी सल्तनत का नक्शा बच्चों, जिसको बहमनी सलातीन ने हुकूमत की है। तो आठ सुल्तानों ने, आठ हुक्मरानों ने गुलबर्गा से हुकूमत की, लेकिन शहाबुद्दीन अहमद के जमाने में बिदर मुंतकल हो गए और आखिर तक भी जो है बिदर ही इनकी राजधानी या सदर मुकाम रहा है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तगलक ने 1342 ईस्वी में जफर खान को जुनूबी हिंद का सूबेदार मुकर्रर किया। इसने दक्कन के सरदार को अपने साथ मिलाकर मरकज से अलाहदगी इख्तियार की और 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह का लकब इख्तियार करते हुए आजाद सल्तनत की बुनियाद डाली, जो बहमन सल्तनत कहलाती है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? क्या यहाँ पर हमने मेन पॉइंट पढ़े थे बच्चों, के जफर खान, जिसको हम अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह कहते, इसने 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की बुनियाद डाली। पहले सदर मुकाम गुलबर्गा, फिर कहां पर मुंतकल किया बच्चों? बीदर, है ना? अब आगे नक्शे में मैं दिखाऊंगी आपको। तो बहमनी सलातीन ने दक्कन में ज़िराअत, तालीम और इमारात पर बड़ी तवज्जो दी। इस अहद में दक्कन में उर्दू अदब ने भी नशोनुमा पाई, इस्लाम भी खूब फैला बच्चों उस जमाने में। यहाँ पे जो मैं पॉइंट में नक्शे में दिखाई हूँ बच्चों, यही पहले गुलबर्गा इनका सदर मुकाम, बहमनी सल्तनत हुआ,
सलातीन का, फिर गुलबर्गा से वो बिदर मुंतकल हो गए थे बच्चों। 1490 के करीब बहमनी सल्तनत को जवाल आना शुरू हुआ और 1538 ईस्वी में इस बहमनी सल्तनत का खात्मा होकर, खात्मा यानी किस तरह से ये सल्तनत फिर से पांच छोटी सल्तनतों में बच्चों तकसीम हो गई, जो हम आगे फिर पढ़ेंगे बच्चों। तो अब तक जो बहमनी गंगूशाह हुक्मरान थे, इसमें कौन कौन हुक्मरान गुजरे हैं बच्चों? इसमें पहला आएगा अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह, फिर उसके बाद में आता है मोहम्मद शाह बहमनी अव्वल, अलाउद्दीन मुजाहिद बहमन शाह, दाऊद शाह, महमूद शाह बहमनी अव्वल, फिर गयासुद्दीन शाह आता है। तो इसी तरह से आखिर तक जो है यहाँ पे अलाउद्दीन अहमद शाह बहमनी तक ए बहमन खानदान के हुक्मरानों ने हुकूमत की है बच्चों। हाँ, कितनी शानदार इमारत है ना, जल्दी पहचानिए क्या है बच्चों, कौन सी इमारत है? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये बीदर का महमूद गावा का मदरसा है ना बच्चों। बहमनी हुकूमत या बहमनी सल्तनत को हम महमूद गावा के बिना पढ़ ही नहीं सकते। ऐसा वजीर आजम था जिसने इस सल्तनत को चार चांद लगाए बच्चों। किसने? महमूद गावा ने। तो ख्वाजा अमादुद्दीन महमूद गावा दक्कन की बहमनी सल्तनत का ये वजीर था। तो महमूद गावा का असल नाम क्या था बच्चों? ख्वाजा अमादुद्दीन, और मशहूर हुए वो महमूद गावा के नाम से। तो पैदाइश 1411 सन ईस्वी में सुबह जीलान में हुई। ये कहाँ पे आता है बच्चा? ईरान आता है। तो ईरान के शहर, ईरान के सुबह जीलान के शहर गावा में हुई थी, तो इसीलिए इनको महमूद गावा कहा जाता है। फिर गावा जो है वो उस गावा शहर से हिंदुस्तान चले आए थे। 1347 सन ईस्वी से लेकर 1426 सन ईस्वी तक गुलबर्गा के बहमनियों की राजधानी जो थी, तो वहां पर उन्होंने अपने खिदमत अंजाम दिए। तो इस मुद्दत में जो है, इस अरसे में महमूद गावा ने मुकम्मल यकीन से बेगर्ज होकर बेलौस जो है बहमनी हुकूमत की खिदमत की है। वजीर आजम बनकर बहमनी हुकूमत को ऊंचे मुकाम तक ले गया। कहरा में इस्लामी तालीम और कानून की तालीम उन्होंने हासिल करके आए हुए थे, और इसके साथ साथ अरबी फारसी जुबानों में भी महारत हासिल थी। तो बहुत से बादशाहों के दौर में ये वजीर आजम रहे बहमनी के, जिसमें बहमनी बादशाह हुमायूं आते हैं, निजाम शाह है, मोहम्मद शाह सुबम के जमाने तक भी जो है वजीर आजम के तौर पर एक वजीर और वजीर आजम के खिदमात महमूद गावा ने अंजाम दिए थे बच्चों। लेकिन जो भी सही इंसान रहता है उसके खिलाफ में साजिशें बहुत रहती है, जिस तरह फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ये भी जो है महमूद शाह सुबम जो बादशाह था उसके कान भर दिए गए। किसके खिलाफ? महमूद गावा के। किस तरह से ये देखेंगे बच्चों? इसने मतलब महमूद गावा ने अपने शानदार फतुहात और साफ सुथरे इंतजामिया से बहमनी सल्तनत के लिए एक एजाज बख्शा। गावा ने कोंकण, गोवा, बेलगाम पर कब्जा किया, फिर इसके बाद उड़ीसा पर हमला करते वहां से कोंडोविडू इलाके फतह किया, और 1481 सन ईस्वी में कंची पर हमला किया। बेशुमार दौलत हासिल की, बेहिसाब दौलत हासिल की। महमूद गावा बहमनी सल्तनत की हमजहती तरक्की का सबब बना। महमूद गावा के खिलाफ दुश्मनों ने हसद करते हुए साजिश की, और यहाँ तक कि ये मामला जो है तेग जनी तक भी चला गया था, इन्हें फांसी दी गई। तो गावा जो है एक आलिम दीन, माहिर साइंस उलूम, माहिर रियाजी, मुसन्निफ और शायर था बच्चों। बाद अजा महमूद शाह सुबम के दरबार में वजीर आजम के अहदे पर भी वो फायज हुए हैं। तो बच्चों 1400 आलिम फाजिल मोहम्मद गावा को शाही खानदान का एतमाद भी हासिल था, लेकिन सिर्फ मुकामी हुक्मरान ही नहीं बल्कि दिगर सलातीन भी महमूद गावा की ताजीम करते थे। तो जिस तरह से अब कहा गया कि बादशाह के दरबार में जो है इनके खिलाफ में जो है साजिशें की गई, और 1481 सन ईस्वी में जो है इनको तेगजनी के मतलब इनका इंतकाल हो गया बच्चों। तो इसलिए बहमनी सल्तनत की तारीख महमूद गावा के बिना जो है अधूरी है बच्चों। तो उन्होंने जो है इनकी ख्वाहिश की आदत और मौशी मदद से जो है शहर बिदर में एक खूबसूरत इमारत जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये महमूद गावा का उस वक्त का कायम करदा मदरसा है, जो कि उस दौर की इस्लामिया जामिया मानी जाती थी। और ये भी माना जाता है कि ये दक्कन का पहला इस्लामी जामिया था। इस जामिया में एक मुनज्जम कुतुब खाना भी था, यानी बच्चों लाइब्रेरी थी, जिसमें 3000 से ज्यादा किताबें थी। और ये मदरसा जो है 3 मंजिला इमारत है, 42 फीट लंबी, 222 फीट चौड़ी और 56 फीट ऊंची। तो इसका मीनार देखो, ये गुम्मद, ये सभी जो है इंडो सार्सनिक तामीरात के मुशाबा है। इसको बनाने वाले कौन है बच्चों? महमूद
गावा, ये अभी भी कहाँ पर है, बीदर में मशहूर है। बहमनी सलातीन को तामीरात में काफ़ी दिलचस्पी थी। अलाउद्दीन हसन से लेकर कलीमुल्लाह शाह तक सभी सुल्तानों ने बहुत से इमारतें भी तामीर की हैं जो आज भी दुनिया में एक नादिर और शादिर नमूने माने जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपको गुलबर्गा का किला दिख रहा है, हफ्त गुम्बद यहाँ पे है ना बच्चों, गुलबर्गा, बीदर, दौलत आबाद, ये उनके क्या थे, तामीरात के महवर थे। तो बहमनी इमारतें जो बनाई गई हैं ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और रियासती आर्कियोलॉजी के मातहत है। जैसा कि आपको यहाँ पे गुलबर्गा का किला दिख रहा है, जामा मस्जिद आयशाम का किला दिख रहा है, हफ्त गुम्बद यहाँ पे दिखाई देता है बच्चों। तो ये तमाम जो इमारतें जो कि इंडो अरबिक तरीके या हिंद सार्सनिक तरीका कहते हैं या हिंद अफगानी तरीका कहते हैं, जिसमें आपको कमान दिखाई दे रहे, गुम्बद दिखाई दे रहे हैं, जिसमें है यहाँ पे मकबरा है, अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह का, उसी तरह से चार मीनार, दौलत आबाद है, हफ्त गुम्बद है, ये उसी तरह से किला है, हाँ फैरोज़ाबाद का किला है, फिर उसके बाद में गुलबर्गा में पाए जाने वाले जो वली अल्लाह गुजरे हैं, ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ मुबारक, और शेख दक्कन सिराजुद्दीन जुनेदी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ मुबारक, शोर गुम्बद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पे, शोर गुम्बद, हफ्त गुम्बद, ये तमाम जो है बहमनी सलातीन के बनाए हुए हैं गुलबर्गा के अतराफ में। उसी तरह से अब जो दिखाई दे रहे हैं ये बीदर और बीदर के अतराफ में, जिस तरह से बीदर का किला है बच्चों वहाँ पे, और नीचे की जो तस्वीर ये है ये महमूद गावा का मदरसा है। तो बीदर का किला, तख्त महल, सोलह खम्बा मस्जिद, मदरसा महमूद गावा, अरस्तु की बहमनशाही के मकबरे, रंगीन महल, ये तमाम जो है बहमनी सलातीन के बनाए हुए अजीम शाहकार और फनकारी नमूने हैं बच्चों, जो आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जिस तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सोलह खम्बा जो मस्जिद है उसका अंदरूनी मंजर और बैरूनी जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, रंगीन दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये भी आपको तस्वीर में देखने मिलता है, जो कि हिंद अफगानी तरीके के एक नादिर नमूने यहाँ पे माने जाते हैं। ये सोलह खम्बा मस्जिद का बाहरी मंजर है बच्चों। तो इतने खूबसूरत इमारतें हिंद अफगानी तर्ज तामीर से जो है सलाती ने, बहमनी ने बनवाए थे बच्चों, है ना। चलिए अब इसी पर मैं चंद एक सवालात करती हूँ, फिर हम दर्स को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। सवालात आप जल्दी जल्दी लिखिए, सवालात देखिए स्क्रीन पर, जवाबात लिखिए, फिर मैं आपको जवाबात बताऊंगी, आप अपने जवाबात की जांच करेंगे। तो पहला सवाल है बच्चों यहाँ पे, बहमनी सल्तनत का बानी कौन था। दूसरा सवाल है, बहमनी सलातीन की हुकूमत कब से कब तक रही है। सवाल नंबर तीन है, बहमनी सल्तनत का पहला पाया था, पहला पाया था कौन सा था। सवाल नंबर चार, बहमनी हुकूमत का हम वजीर कौन था। सवाल नंबर पाँच है आपके लिए, महमूद गावा का मदरसा कहाँ वाक़ है। मेरे सवाल पढ़ने तक अल्हम्दुलिल्लाह आप जवाबात लिखे होंगे, फिर भी अपने जवाबात की जांच कीजिए, और आखिर में ट्रॉफी और गिफ्ट आपको लेके जाना है क्लास से। देखिए जवाब पहला है यहाँ पे, बहमनी सल्तनत का बानी अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह, है ना। बहमनी सल्तनत कब से कब तक रही बच्चों, 1347 सन ईस्वी था 1538 सन ईस्वी। और बहमनी सल्तनत का पहला पाया था गुलबर्गा, जो आज कलबुर्गी के नाम से जाना जाता है। बहमनी हुकूमत का अहम वजीर आजा महमूद गावा, और महमूद गावा का मदरसा कहाँ पर है बच्चों, बीदर में, है ना। तो इतना हम पढ़ चुके थे, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बहमनी सल्तनत के खात्मे के बाद क्या हो गया, दक्कन के इलाके में पांच नई सल्तनतों का आगाज हुआ, तकसीम हो गए। इन पांच अहम सल्तनतों में बच्चों कौन कौन से थे, यहाँ पे बीजापुर के आदिलशाही, आदिलशाही सल्तनत बीजापुर से, कुतुबशाही सल्तनत गोलकंडा से, निज़ाम शाही सल्तनत अहमदनगर से, अमाश शाही बरार से, और बरीद शाही सल्तनत बीदर से। इस तरह से जो है पांच सल्तनतों ने जो है यहाँ पे अपने कदम जमाए बच्चों। फिर से एक मरतबा देखिए इस चार्ट में आपको ये पांच नई सल्तनतें वजूद में आई, कौन कौन सी बच्चों, बीजापुर के आदिलशाही, गोलकंडा के कुतुबशाही, अहमदनगर के निज़ाम शाही, और बरार के अमाद शाही, बीदर के बरीद शाही। इस तरह से पांच शाही सल्तनतें वजूद में। चलिए अब इनके बारे में एक के बाद दीगर हम देखते चले जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम बीदर के बरीद शाही, नहीं बच्चा इससे पहले हम क्या करेंगे, देखने से पहले यहाँ पे इन्हीं पर एक क्वेश्चन आंसर का राउंड रखेंगे। जो पांच सल्तनतें हैं उन्हीं पे मुख्तसर से सवाल है, देखिए आपको पांच सल्तनतें कन्फ्यूज तो नहीं, याद हो गए हैं ना। चलिए यहाँ पे खाली जगह में भर्ती करना है आपको। बहमनी सल्तनत के बाद दक्कन में ड्यास सल्तनतें वजूद में आई, कितने वजूद में आई बच्चों, जल्दी से अपना जवाब भेजिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही भेजा, सही भेजा, सही भेजा, पांच सल्तनतें वजूद में आई, माशाल्लाह। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए, बीदर से हुकूमत करने वाला शाही खानदान ड्यास था,
जल्दी जवाब भेजिए बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, बरीद शाही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बरीद शाही। अगला सवाल है बच्चों आठ, यहाँ पे गोलकंडा से हुकूमत करने वाला शाही खानदान डैश था, कौन सा था बच्चों? देखिए कुतुब शाही है ना, गोलकंडा के कुतुब शाही कहते हैं। चलिए सवालात का सिलसिला पहले से चला रहा है, इसलिए सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहमनी सल्तनत का अहम वजीर डैश था, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? महमूद गावा, मोहम्मद गावा के मोहम्मद गावा, महमूद गावा के नाम से जो मशहूर है। चलिए बच्चों अगला सवाल आपके, बीजापुर से हुकूमत करने वाला शाही खानदान डैश था, जल्दी जवाब अरसल कीजिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब आदिल शाही ना। एक आखिरी सवाल बच्चों आपके लिए, कुतुब शाही हुक्मराना डैश के हाकिम थे, कुतुब शाही कहाँ के हाकिम थे बच्चों? जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, गोलकंडा के कुतुब शाही। कहाँ के थे बच्चों? गोलकंडा के कुतुब शाही। चलिए आगे बढ़ेंगे आप, बीदर के बरीद शाही है ना, इतना खूबसूरत किले महलाते तमाम जो है बहमनी सलातीन के बनाए हुए हैं, जो कि बाद में 5 सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। तो बच्चों सन 1492 सन ईस्वी में कासिम बरीद अव्वल ने सल्तनत बीदर की बुनियाद रखी। कब? 1492 सन ईस्वी में बीदर के बरीद शाही सल्तनत की बुनियाद दिखी आपको वहाँ पे बीदर करके। मैं थोड़ा सा नक्शे में दिखाई, देखो बच्चों यहाँ से बीदर के बरीद शाही हुक्मरानों ने हुकूमत की है। तो कासिम बरीद अव्वल ने 1492 सन ईस्वी में सल्तनत की बुनियाद डाली। तो कासिम बरीद असलन जो क्या था, ये तुर्क गुलाम था बच्चों। अव्वल वो बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह सुगम के दरबार से मुंसलिक हुआ, फिर सरनौबत यानी सिपे साला जिसको हम कहते हैं आज कमांडर कहते हैं, के अहदे से सरफराज किया गया। उसके कुछ ही अरसे बाद उसने बहमनी सल्तनत का मीर जुमला या वजीर आजम बनाया गया। तो सन 1504 सन ईस्वी में इसके वफात के बाद इनके फर्जंद अमीर बरीद जुमला हुआ, अमीर जुमला के मनसबर फाइज हुए और अमलन बहमनी सल्तनत के मुख्तार कुल बन गए। तो महमूद शाह बहमनी के हुकूमत में जो है बरीद शाह का सितारा अकबाल बुरूज पर था, पूरी बुलंदी पर था, वो अपने सियाह व सफ़ेद के मालिक थे। लेकिन फिर 1504 सन ईस्वी में इनके वफात के बाद इनके फर्जन अमीर बरीद अव्वल जो है वो तख्त पर आ गए। लेकिन क्या हो गया बच्चों, 1619 सन ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुबम ने अमीर बरीद को शिकस्त दी और बाद अज़ां उसके बाद में बीदर सल्तनत बीजापुर में जम हो गया और अमीर बरीद सुबम और उनके फर्जंदों को बीजापुर ले गया, जहाँ पे उनको सबको नज़रबंद किया गया। ये थे बच्चों बीदर के बरीद शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सल्तनत बरार या अमाद शाही सल्तनत दक्कन के सलातीन में से एक अहम सल्तनत थी, जो बहमनी सल्तनत के बाद जो है बिखरने के बाद 1490 सन ईस्वी में वजूद में आई थी बच्चों। कौन सी? बरार के अमाद शाही। बहमनी सल्तनत के सकूत के वक्त 1490 में बरार के साबिक गवर्नर फतेहुल्ला अमादुल मुल्क ने अपने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और सल्तनत बरार के अमाद शाही का सिलसिला यहाँ से जारी हो गया, बुनियाद रखी। नेज अपनी नई तश्कीलशुदा सल्तनत में माहिर को भी जम किया और ऐशपुर को अपना पाया तख्त भी उन्होंने बनाया। फिर 1504 सन ईस्वी में अमादुल मुल्क का इंतकाल हो गया और अलाउद्दीन ने इनके जानशीन बने और अलाउद्दीन अपने अहदे में सुल्तान गुजरात बहादुर शाह की मदद से अहमदनगर के हमलों की भी उन्होंने मजम्मत की थी। इतना मुख्तसर बच्चों ये बरार के अमाद शाही सल्तनत के बारे में। चलिए बच्चों फिर आगे जाएंगे हम, अहमदनगर के निज़ाम शाही है ना, अहमदनगर के निज़ाम शाही सल्तनत, जिसको निज़ाम शाही सल्तनत भी कहा जाता है। मुल्क अहमद जो कि बहमनी सल्तनत का गवर्नर था, 28 में 1490 सन ईस्वी को बहमनी अफवाज को शिकस्त देकर आज़ादी का ऐलान किया और निज़ाम शाही ख़ानदान को बतौर अहमदनगर सल्तनत की उन्होंने बुनियाद रखी। किसने बच्चों? मुल्क अहमद ने इसकी बुनियाद रखी है, अहमदनगर के निज़ाम शाही सल्तनत की। इब्तिदा में इसका दारुल हुकूमत जनार था और 1494 में नई हुकूमत, नया दारुल हुकूमत, नया सदर मुकाम अहमदनगर को उन्होंने बनाया बच्चों। और 1636 में जब औरंगजेब आलमगीर जो इस वक्त दक्कन का गवर्नर था अहमदनगर सल्तनत को फतह किया और मुगलिया सल्तनत में इसको शामिल कर दिया बच्चों। अब आपको मैप में दिखेगा कि अहमदनगर सल्तनत देखो कहाँ से है, गौर से देखिए बच्चों। यस, ये क्या थी? अहमदनगर के निज़ाम शाही का सदर मुकाम और वहाँ के अतराफ के इलाके में अहमदनगर के निज़ाम शाही की हुकूमत
रही है बच्चों। तो इसमें आने वाले अहम सलातीन की फहरिस्त भी मैं आपको यहाँ पे दी हूँ। मोहम्मद अहमद निज़ाम शाह अव्वल, बुरहान निज़ाम शाह अव्वल, हसन निज़ाम शाह अव्वल, मुर्तज़ा निज़ाम शाह अव्वल, मीर निज़ाम शाह, इस्माइल निज़ाम शाह, उसी तरह ए सिलसिला मुर्तज़ा निज़ाम शाह सुबम तक चला है बच्चों। 1490 से लेकर 1633 सन ईस्वी तक तकरीबन 14 अहम हुक्मरानों ने जो है यहाँ पर अहमदनगर के निज़ाम शाही तख्त से अपनी हुकूमत की है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोलकंडा के कुतुब शाही जिसे हम गोलकंडा हुकूमत भी कहते हैं या गोलकंडा की कुतुब शाही सल्तनत भी कहते हैं ना, तुर्क सल्तनत थी जो फारसी सकाफत से मुतासिर थी। सलातीन को मजमूई तौर पर हम यहाँ के गोलकंडा के सलातीन को बादशाहों को क्या कहते हैं बच्चा, कुतुब शाही कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना गोलकंडा के कुतुब शाही करके, एक ख़ानदान को गोलकंडा की रियासत के हुक्मरान इस ख़ानदान के लिहाज से या इसकी नस्बत के लिहाज से हम इसको क्या कहते हैं, गोलकंडा के कुतुब शाही कहते हैं, इनके महलात, उनके किले। तो यहाँ पर हुकूमत करने वाले अहम हुक्मरानों में जो है इसमें बहुत से वली भी हो गुजरे हैं, जिसमें सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क है, जमशीद कुली कुतुब शाह है, सुबहान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह है, अब्दुल्ला कुतुब शाह और अबुल हसन कुतुब शाह, ए जो है गोलकंडा के कुतुब शाही सल्तनत से हुकूमत करने वाले अहम सलातीन हो गुजरे हैं बच्चों। चलिए इसको देखते ही आप समझ गए हैं। बीजापुर का गोल गुंबद देखते ही हमें कौन सी सल्तनत याद आती है बच्चों, वहाँ पे बीजापुर के आदिल शाही। चलिए एक आखिरी सल्तनत जो हम सलातीन दक्कन में आप पढ़ेंगे वो है बच्चों बीजापुर के आदिल शाही, है ना। इस गोल गुम्बद को देखते ही इस इमारत को हम पहचानते, हमारे दिमाग में आने वाली सल्तनत बीजापुर के आदिल शाही, आखिरी जो पढ़ रहे हैं बीजापुर के आदिल शाही जो है ये जुनूबी हिंदुस्तान के मगरबी इलाके दक्कन में जो एक छोटी सी रियासत उस वक्त पाई जाती थी बीजापुर नाम से। तो 1490 से लेकर 1686 सन ईस्वी तक बीजापुर को अपना पाया तख्त बनाते हुए आदिल शाही हुक्मरानों ने हुकूमत की है। शहर बीजापुर जो कि रुई की तिजारत का मरकज था और यहाँ की इमारतें तो जो है पूरे आलम में मशहूर, खास कर जो गोल गुम्बद है वो काबिले तारीफ रहा। तो मैप में अब देखो मैं बीजापुर को वहाँ पे मार्क करें बच्चों, गौर से देखिए। तो यहाँ से है ना बच्चों, देखिए अभी मार्क चलाएगा यहाँ पे, ये क्या है बीजापुर के आदिल शाही का सदर मुकाम रह चुका है ना बच्चों। तो इसमें बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की है, जिसमें यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, हाँ अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, अली आदिल शाह अव्वल, इब्राहिम आदिल शाह दुवम, मोहम्मद आदिल शाह, उसके बाद अली आदिल शाह दुवम और सिकंदर आदिल शाह, इस तरह से बहुत से सलातीन ने हुकूमत की है बीजापुर के आदिल शाही तक से। इनमें सबसे अहम जो है इब्राहिम आदिल शाह को माना जाता है, जिनकी हुकूमत 1580 सन ईस्वी से 1627 सन ईस्वी तक रही है बच्चों। आदिल शाही बादशाह में सबसे अहम बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी या इब्राहिम आदिल शाह दुवम को माना जाता है। अपनी उम्र के 90 साल में ही वो तख्त नशीन हुआ। इसने 47 साल हुकूमत की, एक लंबी तारीख है। इसने बीजापुर को शान शौकत की इंतहाई बुलंदियों पर तक पहुँचाया है, बेहतरीन हुकूमत देते हुए फ़न तामीरात फ़न अदब के हलकों में भी इस इब्राहिम आदिल शाह ने जो है आदिल शाही सल्तनत को पूरे फलकबोस सितारों तक यहाँ पर पहुँचा दिया है बच्चों। और नौरस नामी किताब में इसने जो है वहाँ पे मजहबी रिवायात को कायम रखते हुए सरस्वती, गणेश और नरसिम्हा की तारीफ, उनके तारीफ में कलमात भी लिखे हैं और ख़ासकर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की भी सताइश और तारीफ की गई है, जो कि दुनिया में वाहिद शख्सियत जो है तारीफ के काबिल है। तो एक किताब जो है एक तरह से इब्राहिम आदिल शाह की सलाहियत और मजहबी रवादारी की भी गवाही देती है बच्चों, है ना। तो चलिए बच्चों यहाँ तक अब जितने सल्तनतें पढ़े हैं इन सल्तनतों के बारे में अब अपना होमवर्क लिख लीजिए, है ना बच्चों। कौन कौन सी सल्तनतें आखिरी तक, कहाँ तक पढ़े बच्चों हम, इब्राहिम आदिल शाह तक पढ़े हैं ना, निज़ाम शाही सल्तनत, गोलकंडा के कुतुब शाही, बिदर के बरीज शाही, बरार के अमाद शाही और आखिर में जो पड़े हैं बीजापुर के आदिल शाही हुकूमत। तो अभी तक हमारा बाब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अगली क्लास में जो है इन बहमनी सलातीन के निज़ाम हुकूमत,
उनके फ़ने तामीरात के बारे में हम तफसीली मुतालिया करेंगे। तब तक जो है आप अपना इतना सारा छोटा सा एक होमवर्क लिख लीजिए और ट्रॉफ़ी भी हासिल कीजिए। तो होमवर्क में आपका पहला सवाल है बच्चों, यहाँ पे बहमनी सल्तनत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। पहला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे बहमनी सल्तनत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। सवाल नंबर दो है यहाँ पे महमूद गावा के हालात ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, है ना। बहमनी सल्तनत के सबसे अहम वज़ीर जिसने जो है बीदर के मुकाम पर जो है एक बहुत ही शानदार जो है मदरसा कायम किया, जो आज भी जो है एक दीनी मरकज़ बना हुआ है, तो इस महमूद गावा के हालात ज़िंदगी का आपको जायज़ा लेना है। उसी तरह सवाल नंबर तीन है बच्चों, यहाँ पे बहमनी सल्तनत के जवाल के बाद जनूबी हिंदुस्तान में उरूज में आने वाली पांच सल्तनतें कौन कौन सी। अब तक जो ये पांच सल्तनतें पढ़े ना, बीदर के बरीश शाही, बरार के अमाद शाही, गोलकंडा के कुतुब शाही, है ना, बीजापुर के आदिल शाही, इनकी आपको फहरिस्त बनाना है। सवाल नंबर चार है बच्चों आपके लिए, अहमदनगर के निज़ाम शाही और गोलकंडा के कुतुब शाही हुक्मरानों या हुकूमत में हुकूमत करने वाले अहम बादशाहों की फहरिस्त बनाना है ना। लेसन के दौरान हम देखें पांच सल्तनत के बादशाहों की फहरिस्त देखें, आपको यहाँ पे सिर्फ अहमदनगर के निज़ाम शाही और गोलकंडा के कुतुब शाही बादशाहों की फहरिस्त बनाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच आपके लिए बच्चों, यहाँ पे है आदिल शाही हुक्मरानों के फ़न तामीरात का मुख्तसर जायज़ा लीजिए बच्चों, क्योंकि अगले लेसन में, अगली हमारी क्लास में जो है हम इसी के बारे में तफसीली पढ़ना है, तब तक आप मुख्तसर जायज़ा लीजिए। और एक आखिरी सवाल आपके लिए है, यहाँ पे सलातीन दक्कन के तमाम नादिर फ़न तामीरात का रंगीन अल्बम बनाते हुए एक सरगर्मी भी बनाना है आपको, ताकि जो है अगले लेसन के लिए हमें जो है एक माविन व मददगार साबित हो सके। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन, कौन सा था बच्चों, विजयनगर बहमनी सल्तनत और सलातीन दक्कन, जिसमें हम पांच सल्तनतों के बारे में पढ़े हैं। इन सल्तनतों के निज़ाम हुकूमत, समाजी हालात, फ़न तामीरात का जो हम अगले अपनी क्लास में तफसील से जायज़ा लेंगे बच्चों। तब तक आप अपना होमवर्क कीजिए और अगली जो है आपकी ट्रॉफ़ी लेने के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। तो चलिए इस क्लास का इख्तिताम अब हम यहीं करते हैं, फिर हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।